कहा गया है सुन बट्टा संडाटा, जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, उनको शर्म नहीं आती है? किसने सांसद बनाया, किसने मंत्री बनाया बिहार को ठगने के लिए? पीएम बोलते थे बेटा, तो माँ को भी ठगा, पिता को भी ठगा, और अपने भाइयों बहनों को भी ठगा, नाती पोता को भी ठगा, नतनी नातिन को भी ठगा। केंद्र सरकार की ओर से आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया, लेकिन बिहार में, बिहार के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार को शून्य बटा सन्नाटा मिला है इस बजट में। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री, पहले हम आपको सुनाते हैं। ठगा गया है सुन बट्टा सन्नाटा, आप लोग जान रहे सुन बट्टा सन्नाटा, आप बताओ क्या मिला? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है, हम तो आपसे जानना चाह रहे क्या मिला। हम लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पहले तो पता चलता था। अरे जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, उनको जो शर्म नहीं आती है? क्या कर रहे हैं, किसने सांसद बनाया, किसने मंत्री बनाया बिहार को ठगने के लिए? ना विशेष राज्य को सोचा, ना विशेष पैकेज, कौन सा काम है जो बिहार के लिए अलग से किया हो? चुनावी बजट है, चुनावी बजट मानते हैं। वो बिहार का बेटा बताए थे एक समय में कि आपका बिहार का, आपके कमिट किया गया एक काम नहीं किया। आप नहीं जान रहे हैं कि 2022 तक पक्का मकान दे देंगे, मिला आज उसकी बात हुई? ये बोल रहे थे 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे, किसानों पे बात हुई? और क्या ये लोग बोल रहे थे? सर खुद को बिहार का बेटा बता रहे थे चुनाव में कि बिहार का आपका बेटा है, दिल्ली में चौकन्ने है, कैसे देखते हैं? आपका बिहार का बेटा हूँ मैं, पीएम बोलते थे। बेटा तो माँ को भी ठगा, पिता को भी ठगा, और अपने भाइयों बहनों को भी ठगा, नाती पोता को भी ठगा, नतनी नातिन को भी ठगा। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से केंद्र में साथ साथ सांसद और मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था, विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन मिला तो बस शून्य बटा सन्नाटा। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने बिहार को ठगा है और कुछ नहीं किया। लगातार 8 साल से बिहार को ठगा जा रहा है और एक बार फिर से बिहार को पूरी तरह से ठग लिया गया है। कहीं ना कहीं अब इस आम बजट को लेकर बीजेपी जहां एक ओर ताली बजा रही है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह से हमलावर है। और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि बिहार को केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ, और देखते रहें द एसजी न्यूज़।